सत श्री अकाल जी, मैं सुहाग सक्सेना पंजाबी खबरें देख रहे आप सब का स्वागत कर दी। खबरें शुरुआत करेंगे पर उस तो बनेंगे हेडलाइंस से। किसान आंदोलन लगातार जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में किसानों ने किया संबोधन, कहा किसानों के लिए लाहेवंद ने खेती कानून। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोआर्डिनेशन कमेटी ने पीएम नूं दिता जवाब, कहा खेती कानून किसान विरोधी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हुए कोरोना का शिकार। मुख्यमंत्री रावत ने खुद ट्विटर से साझी की जानकारी। किसान 23 दिनों तो सिंगू बॉर्डर से खेतीबाड़ी कानूनों खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते दिनों तो देश में किसानों लिए बनाए गए नए कानूनों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ये खेतीबाड़ी सुधार कानून रातों रात नहीं आए, कई सालों तो राज सरकार किसान खेतीबाड़ी विज्ञानियों गलबात करने तो बाद यह कानून आए ने। पिछले 20-22 सालों तो हर सरकार ने इस बारे विस्तार चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इस गल का सबूत है कि किस तरह किसानी नाल गल करने वाले लोग झूठ हंजू वहाँ वाले लोग ने। यह लोग इस रिपोर्ट नू 8 सालों तक दबाते रहे ने। उन्होंने कहा है कि यह बार बार झूठ बोलिया जा रहा है कि किसानों की जमीन खो ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की मंगा पर विचार करने लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि वह किसानों को भरोसा दिवाते हैं कि MSP खत्म नहीं की जाएगी, यह जारी रहेगी। विरोधी धिर इस बारे झूठ बोल रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि 25 दिसंबर को एक बार फिर मैं देश के किसानों नाल गलबात करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी वालों 3 खेतीबाड़ी कानूनों बारे किए वादाव्या ते किसानों लिए किए गए काम बारे जारी पत्र बारे किसान आंदोलन की अगवाई करने वाली ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोआर्डिनेशन कमेटी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह दावा किया कि उन्होंने संघर्ष विरोधी पार्टियों नाल जुड़िया होया। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नवे खेती कानूनों की समस्या को हल करने की बजाय अजिही पॉलिसी बनाई है जो किसानों की जमीन और खेती से पकड़ खत्म करेगी और विदेशी कंपनियों और बड़े कारोबारियों को उत्साहित करेगी। किसान आगुओं ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने खेतीबाड़ी सुपरस्ट्रक्चर विच कारपोरेट निवेश को उत्साहित करने लिए 1 लाख करोड़ रुपए अलाट किए हैं, जदों की सरकार को यह सहूलतावान अपने आप या सहकारी खेतर द्वारा मुहैया करवाइया जानिया चाहिए ने। किसानों ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को पता होना चाहिए कि जिथे झोने की MSP 1870 रुपये है, उतें ही किसान इस 900 रुपये वेचने लिए मजबूर ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल को सिरे तो चालबाज दसदिया कहा है कि आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल दोवें ही पाखंडी पार्टियां ने, जिन्हां ने खेती कानूनों के मुद्दे से दोगली किरदार ने यह सिद्ध कर दिता है कि किसानों प्रति इन्हां दा कोई सरोकार नहीं है। पंजाब स्मार्ट कनैक्शन स्कीम के दूसरे पड़ाव की शुरुआत तो बाद पत्रकारों नाल गैर रस्मी गलबात दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप और अकाली दल के विधायकों की कहनी ते कथनी विच जमीन आसमान का अंतर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जदों उन्हां दी सरकार ने केंद्र के काले खेती कानूनों को बेअसर करने विधानसभा में बिल पास किए सन तो आप और अकाली दल के विधायकों ने समर्थन किया, पर हुण अपने सियासी मुआफदा की खातर दोवें पार्टियां ने सुर बदल लए ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावें श्रोमणी अकाली दल पहले पड़ा से खेती आर्डिनेंस लागू करन विच शामिल सी, दूसरे पासे दिल्ली विच आप सरकार ने इन्हां घातक खेती कानूनों विचों एक नूं तुरंत ही लागू कर दिता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री रावत ने खुद ट्विटर से साझी की है। मुख्यमंत्री रावत ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा है कि आज मैं कोरोना वायरस की जांच करवाई है, रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, मेरी सेहत ठीक है, लक्षण भी नहीं ने। डॉक्टर की सलाह से मैं घर में एकांतवास में रहूंगा। मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों को भी अपनी जांच कराने की अपील की है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री कोरोना नाल पीड़ित पाए गए हैं। हाल ही में राज मंत्री रेखा आर्या अपने पूरे परिवार समेत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
देश विच कोरोना पीड़ितों की गिनती 99 लाख तो पार हो गई है, जिसनू वेखदिया सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए ने। अदालत ने चोण रैलिया ते चोण प्रचार बाबत निर्देश जारी किए ने। अदालत ने कहा कि रैलिया विच कोविड नियमों की पालना यकीनी बनाने की जिम्मेवारी चोण कमिशन की होगी। इस दे नाल ही कोरोना महामारी दौरान देश के कई हिस्सों में कई बार लॉकडाउन और करफ्यू लगाए गए। उत्थे इस नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि करफ्यू या लॉकडाउन लागू करने के किसी भी फैसले का ऐलान पहला तो किया जाना चाहिए, ताकि लोग अपनी आजीविका सुचारू ढंग से चलाने लिए पहला प्रबंध कर सकन। पंजाबी स्मार्ट कनैक्ट स्कीम के दूसरे पड़ा तहत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों मोहाली में स्मार्टफोन वंडे गए ने। पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने पटियाला पहुंच के नौजवानों को स्मार्टफोन दिए। इस मौके उन्होंने पटियाला तो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप भी मौजूद रही है। धर्मसोत ने कहा कि बहुत सारिया सरकार अजिहा ने जो वादे करके पूरे नहीं कर दिया ने, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक अजिहे सरकार है जिसने जो कहा है वह पूरा किया। उन्होंने कहा कि पटियाला तकरीबन 7,000 के करीब मोबाइल वंडे गए हैं। अज दूसरे पड़ाव के पटियाले 7,000 स्मार्टफोन दिए गए हैं और तकरीबन 50,000 के करीब अज पूरे पंजाब चीफ मिनिस्टर साहब ने शुरुआत करके सारे पंजाब वंडे गए हैं। और मैं समझदा कि बहुत थोड़िया सरकार के कहनी तो करनी दूरी होंदिया ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पहला भी सरकार जो कहते करते अज भी जो कहा भावें औखे हाँ असी करोना की मार है होर बड़िए खर्चे ने उसके बावजूद अपने भविख में देख दो साडा कल बच्चे ने साडा आने वाला भविख बच्चे ने इन्हों मजबूत करने वास्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री जी ने किवें ना किवें करके स्मार्टफोन बच्चों दिते ने ताकि करोना के समय के स्कूल नाल जा ना जाके भी अपने घर बैठ के भी बच्चे अपन क्लासा लगा सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खेती कानूनों दी कापियां नूं पाल के ड्रामा कर रहे हैं। यह कहना है पंजाब के मंत्री तृप्त रजिंद्र सिंह बाजवा का। मंत्री तृप्त रजिंद्र सिंह बाजवा वालों बटाला के नेड़े पिंड भुल्लर विखे सरकारी स्कूलों के बच्चों मोबाइल फोन वंडन पहुंचे सन। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब और उन्होंने सरकार ने जो वादा किया उसनू पूरा किया। इस दे नाल ही मंत्री तृप्त रजिंद्र सिंह बाजवा ने किसान अंदोलन बारे पत्रकारों के सवालों के जवाब देंदे हुए कहा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खेती कानूनों दी कापियां पाड़ियां ने वह महज ड्रामा है, क्योंकि पहला उन्हें नोटिफिकेशन जारी कर दिता है और हुण राजनीति कर रहे हैं। देखो केंद्र सरकार नूं मैं तो बड़ी बारी कह चुका अपना राज हट छड़ना चाहिए। जो कहिंदे ने किसानां दे हक च पास किया तो कि किसान इन्ने बेवकूफ ने उन्होंने पता ही नहीं भी एक बिल साढ़े हक च होया कि साढ़े उल्टा। सो साडी बदकिस्मती है भी जिहड़े साढ़े नाल चार मैंबर फैसला कर रहे ने उन्हां च एक भी किसान ने ना किसानी नूं समझदे ने। ये बिल जिहड़े ने बंबियों बन के आए ने ते बंबे की राजनीति बिजनेसमैन की राजनीति थले बिल बने ने। सो साडी रिक्वेस्ट है दिल्ली सरकार नूं पर रीथिंक करे किसानां दे नाल बह के गल करके कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, नहीं तो पंजाब हरियाणे के नुकसान नाल थोड़ा बहुत मुल्क का भी नुकसान हो रहा। देखो तो उन्हां दी अपनी सोच है, कंपनसेशन तो मैं मंगता नहीं, पर जिहड़ा साडा हक है किसानी जिहड़ा साडा हक है सानूं उह दे छड्डन, सानूं कंपनसेशन भावें ना दे। पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अपने मैनीफेस्टो विच कीते नौजवानों नूं स्मार्टफोन देने दे वादे नूं पूरा करदे आ दूसरे फेज विच डॉक्टर राजकुमार वेरका ने सरकारी स्कूल छेरटा विखे विद्यार्थियों नूं स्मार्टफोन वंडे। इस मौके उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने लई फोन तकसीम कर रही है। कोविड महामारी दे विच इस दौरान विद्यार्थियों ने निर्विघन पढ़ाई जारी रखने लई इस फेज तहत 80,000 मोबाइल फोन वंडे जा रहे हैं, जिस विचों फाजिलका जिले के 30 स्कूलों के
3,351 विद्यार्थियों ए फोन वंडे जा चुके ने। इसे तरह अज 887 टैबलेट वंडे गए, जिन्हां विचों 40 फाजिलका जिले के साबुआना के स्कूल नूं मिले ने। उधर जिला पद्धर तो इस समागम विच हलका विधायक दविंदर सिंह बाया, डिप्टी कमिश्नर अरविंद पाल सिंह संधु, SDM केशव गोयल, सहायक कमिश्नर जनरल कंवरजीत सिंह, जिला सिक्ख्या अफसर सुखबीर सिंह बल, उप जिला सिक्ख्या अफसर ब्रिजमोहन सिंह बेदी आदि ने शिरकत की है। थाना वलटूहा ते थाना खेमकरन दी पुलिस ने एक सांझे ऑपरेशन दौरान भारत पाकिस्तान सरहद तो कंटियाले तार दे नेड़े पाकिस्तानी समगलरां वल्लों भारतीय खेतर विच दाखिल होके तारो पार प्लास्टिक दीयां बोतलां विच पा के सुट्टी करीब 970 ग्राम हेरोइन बरामद कीती है। पुलिस ने हेरोइन नूं कब्जे विच लैके अणपछाते व्यक्तियों खिलाफ थाना खेमकरन NDP एक्ट तहत मामला दर्ज करके अगे दी कारवाई जारी है। नाभा के नवे जिला जेल में नज़रबंद दो नाइजीरियन हवालातियों को दो मोबाइल मिलने जेल प्रशासन से सवाले निशान खड़े हो गए हैं। इस तो इलावा एक होर हवालाती को 25 नशीलियां गुरलियां बरामद हुई ने। नाभा सदर पुलिस ने तीन दोषियों के खिलाफ वफक धारा तहत मामला दर्ज करके अगे तफ्तीश शुरू कर दी है। यह पहला मौका है जदों जेल में मोबाइल बरामद हुए हैं। इस तो पहला भी जेलों में पहला ही मोबाइल बरामद हो चुके हैं। बटाला के बाजारों में वक्फ समाजिक संगठनों वालों महापुरख संत बाबा राम सिंह जी की सिंगड़ा वाले श्रद्धांजलि भेट करदे एक कैंडल मार्च कढ़िया गया। किसान अंदोलन में किसानी लई कुरबानी देण वाले महापुरख बाबा राम सिंह जी की कुरबानी सिजदा करदा है। किसान अंदोलन में किसानी लई कुरबानी देण वाले महापुरख बाबा राम सिंह जी की कुरबानी नूं SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर ने भी सिजदा किया। उन्हां कहा कि वह बाबा जी का चले जाना सिख कौम लई वड्डा घट है। उन्हां कहा कि श्रोमणी कमेटी वालों वह दुख का इजहार करते हैं। दस दिए कि बीबी जगीर कौर ने गुरद्वारा नानकसर सिंगड़ा विखे पहुंचे सन। इस मौके श्रोमणी कमेटी की एग्जैक्टिव के मैंबर अमरजीत सिंह चावला, साबका संसद मैंबर प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, कंवलजीत सिंह अजराणा समेत होर आगू हाजिर सन। देखो सब तो बड़ा तो दुख है कि इहो जी धार्मिक शख्सियत का चले जाना, धर्म प्रचार के जिहड़ा उन्होंने वड्डा योगदान पाया अज उसकी घाट पैगी, क्योंकि चंगे मनुखां दी जान तो बाद धर्म के प्रचार कथा कीर्तन का ही गुरमत विचारां दा ही संगत नूं गुरु शब्द नाल जोड़दे सी। खास करके साढ़े वर्गे जिहड़े धार्मिक शख्सियतां हुंदियां ने उन्हां वास्ते वड्डी घाट हुंदी है, क्योंकि उन्हां दा एक एक पल जिहड़ा कीमती बन जांदा जदों कीमती नाम दे नाल जोड़दे आ। दूसरी गल लगी है कि उहदा कार्ज जिहदा उहदा जान दा काज की होया। दुख इस गल दा कि जिहड़ी अज संसार दे लोक कह रहे हैं कि अज एडा वड्डा मनुखता दा घाण ही हो रहा है, साडा किसान साडा मजदूर सड़कां ते रुल रहा है, किसान अन्नदाता दुनिया के लोग इसनू जानते हैं और इसनू सन्मान दे है। ते इसने सारे देश के अन्न भंडार भर के आर्थिक स्थिति जिहड़ी है देश की खुशहाल की। किन्नी दुनिया नूं रुजगार देने वाला एक किसान अज आप बेरोजगार होकर तो सड़कों के उत्ते बैठा होया। निक्के निक्के बच्चे मावां भैणां बजुर्ग मातावां और खास करके मैं समझदी हाँ कि जिहड़ी किसान दा किता एक गुरु नानक ने सानूं दित्ता सीगा, उन्हें बख्शिश की सी 28 साल आप किसानी की। जे कोई रूहानियत पावर भी लैन वास्ते पातशाह ने कहा तो सानूं देखो शब्द राही उन्हें कहा मन हाली किसानी करनी शर्म पानी
तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। तुसी ये देखो कि रूहानियत की शक्ति लैन वास्ते भी उन्हें किसान की उदाहरण दिती है भी इस ढंग के नाल तुहानू जिहड़ा नाम दा सिमरन करना पएगा। सो किड्डी वड्डी किसानी की महानता किड्डी वड्डा किसान की देन है कि जिहड़े गुरु नानक साहब ने बाणी राही इहदियां मिसालां देख देख के सानू बाणी नाल जोड़िया। सो मैं समझदी हाँ कि बाबा जी का जाना अज उस काज वास्ते जिहदा काज संसार के लोग जिहड़े है अज बहुत वड्डी पीड़ा दे विच फसे हुए है कि किसान अज अपने हक्कां दी मंग करन वास्ते जे अज रुल रिहा सड़कां दे उत्ते ठंड दे विच बहुत बेशुमार जिहड़े अज किसान है वह इत्थे शहीदियां ही पा रहे ने इस जिहड़े मोर्चे दे विच ते अज 30-32 दे करीब वह पहुँच गई गिनती। सो मैं समझदी हाँ कि साढ़े वास्ते बड़ा पीड़ा भरिया दुख भरिया समा ते इह सरकार नूं अज ही यह ऐलान करना चाहिए कम से कम श्रद्धांजलि दे दें बाबा जी दी इहोजी शख्सियत की रूह में श्रद्धांजलि दे दें कि वह अज किसानां दी ये मंग मंग के किसानां नूं यह राहत देन कि अपने घर सुख शांति नाल जा सकन। अज बड़ा नाजुक ते गंभीर समा है सत बाबा राम सिंह जी सिंघड़ावाल जी का बलिदान जो होया जीवन का बलिदान किसान संघर्ष के लेखे ला के जिंदगी गए ने और मैं समझदा कि उन्होंने जीवन के आदर्श लोगों की सेवा दे संस्था के आदर्श जोड़े ने उन्होंने चलते हुए जिस तरह का जबर जुल्म अन्या अत्याचार पिछले महीनों तो देश दियां सड़कां ते साडे बच्चे साडियां मावां साडे बजुर्ग सर्द रुत्त दे विच ठंडी रातां चल रहे ने वो ना सहारते हुए मोदी साहब की सरकार नू एक ललकार दे के गए ने मोदी साहब की सरकार नू एक सुनेहा दे के गए ने कि जुल्म जबर अन्याय का दौर बहुत ही देर नहीं रहता और उन्होंने अपना जीवन दाते ला के लोगों नू भी इस संघर्ष में शमूलियत करन दा संदेश दिता है। असी मैं अपने वालों श्रोमणी अकाली दल वालों उन्होंने महापुरखों नू जिथे सत्कार भेट करना श्रद्धांजलि भेट करना उत्थे उन्होंने इस महान राह ते चलण की असी प्रेरणा भी अज लैके जा रहे हैं और मैं समझदा कि मोदी साहब नू इना इस बहुत बड़ा एक इतिहासक मैं समझदा एक घटनाक्रम और ये संस्था की एक परंपरा भी रही आ एक इतिहास भी है एक विरसा भी आ। पहला भी संत बाबा जंग सिंह होर ने शहादत दी लोग हक्कां लई अज संत बाबा राम सिंह जी शहादत दे गए। सो मोदी साहब नू साडी पुरजोर अपील आ कि हुण सबर का इम्तिहान ना लैन हुण सबर का प्याला भर चुका हुण बार बार लोगों का इम्तिहान लैना किसी तरह भी उचित नहीं है और देश दे हित च लोगों के हित च यही आ कि गलबात राही लोगों दीआं गल्लां सुण के हल किया जाए तो देश का माहौल सुखावा बनाया जाए। हरियाणा विच विरोधी धिर दे आगू भुपिंदर सिंह हुड्डा साबका संसद मैंबर दीपिंदर हुड्डा लाडवा तो विधायक मेवा सिंह समेत कई कांग्रेसी विधायकों ने महापुरख बाबा राम सिंह जी नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते ने। सरकार से कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से आज हम संत राम सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें और सरकार राजहट छोड़े जिद छोड़े और सरकार राजधर्म निभाते हुए अपनी प्रजा की बात माने। प्रजा की बात मानने से कोई सरकार छोटी बड़ी नहीं होती। फिलहाल इस बुलेटिन में शुराना ही जांदे जांदे नजर मारदे हां भारत दे मौसम दे हाल ते वेदर ब्रांडिंग पावर्ड बाय गोदरेज इजी लिक्विड डिटर्जेंट।